हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखपाल वर्मा। वेलकम है जी थोड़ा रूफटॉप गार्डनिंग पेज के उत्ते। किवें हो सारे? आई होप सो सारे वधिया होंगे। अज आप गल करांगे टमैटोस वास्ते कि किदां ग्रो किया जाता वा, इन्हां नूं सीड नाल ग्रो किया जाता वा कि पनीरी नाल, ते इन्हां दी केयर किदां करनी है, किदां नहीं करनी, धुप्पे किन्ना किन्नी धुप्प देनी किन्नी नहीं देनी है, कि सारे अपडेट्स दूंगा। देखो फ्रेंड्स, ये मैं 1x2 गमले के लगाया हुआ वा, ये क्यारी बारों रेडीमेड में लैके आया था। ये फ्रेंड्स मैं सीड ना ग्रो किए थे, ये ने देसी टमाटर। देखो ये देसी टमाटर ज़्यादातर सब्जियों के पाया जाता वा, जिहड़ा एक दूसरा टमाटर होंदा वा वो सैलड वास्ते यूज होंदा, ये खटास ज़्यादा होंदी है। इनू ग्रो करना बहुत ईजी है वा, इनू किसी भी मौसम के आराम लगा सकते, सिर्फ मेरे हिसाब से साइज़ का फर्क पेगा, तो होर इन कोई प्रॉब्लम नहीं पैंती हैगी। सारे दिन के शेप धुप्प वाले एरिए रखो इनू, तो बहुत वधिया ग्रो करते हैं। जो देखो मैं किन्ने प्लांट्स लाए हुए ने, ये बेल जी नहीं बनी हुई, जिदा दूसरे टमाटर जिन्हें होंगे ने सारे बेलों ही बन जाते हैं, तो संभालने ओके है। फिर सपोर्ट लगानी पैंती है, इन्हों का कोई सपोर्ट लगाने की लड़ नहीं हैगी। तो हमने देखो थोड़े दिन तक हार्वेस्ट करने का टाइम है इन्हों का। देखो ये 5-7-8 दिनों तक मैं हार्वेस्ट कर देना सारे टमाटर। तो आप फ्रेंड्स मैं छोटी मिर्च लगवा रहा वा, ये भी मैं सारे सीजनल ग्रो किए थे, ये मैं छोटा छोटा घा पट दिना ता जो कि मिर्चा में कोई प्रॉब्लम ना आए, कुछ कोई दिक्कत ना आए। इनू सिर्फ पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पैंता वा, क्योंकि जो आप सीड लगाने प्लांट जो कमज़ोर हों, जिन्ना पानी दे जावे उन्ना वधिया रहिंदा। क्या फ्रेंड्स मैं प्याजा की बीज तैयार कर रहा, इन्ने सोने बीज ने ये। फिर आप उस तो बाद बीज हार्वेस्ट करन तो बाद आपको स्प्रिंग ओनियन की पनीरी मिल जूगी बीजा को। फ्रेंड्स एक करेले की वेल है, ये भी मैं बीज ना ग्रो की सी। देखो 2-3 वेल्स हो गई। देखो हुण इहनूं सपोर्ट देवांगे। फ्रेंड्स ये वीडियो वधिया लगी तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करियो। जे तुसीं बीज नाल ग्रो करना सीखना चाहते हो तो मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सियो, तो बैल आइकन जरूर दबाइयो ता जो मैं अगला नैक्सट वीडियो पावां तो थोनूं पहला स्टेटस पहुँच जाया करे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।